हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी का 22 फरवरी से बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, जिसमें पहला पेपर आपका हिंदी का होगा। आज जितने भी टॉपिक आपको बताने वाले हैं, उन टॉपिकों को आप यदि ध्यान से देख लेते हैं तो आप मात्र 3 से 4 दिन में ही हिंदी का बहुत बढ़िया तरीका से आप तैयार कर ले सकते हैं। देखिए, आपके पास ये अदब लास्ट चांस है। जितने भी पॉइंट बता रहे हैं, आप उन पॉइंटों को बस ध्यान से देख लीजिए। आप इन पॉइंटों के हिसाब समझ जाएंगे कि आपसे किस टॉपिक से बहुविकल्पी प्रश्न आने वाला है और कहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। जितना पॉइंट बता रहे हैं, बस इतने पॉइंट को आप तैयार करके चले जाइए। आप बोर्ड के एग्ज़ाम में हिंदी के पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, आपके पास जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वही बताने वाले हैं। मात्र जितना बताएंगे, बस इसे ही पढ़ कर चले जाइए, ठीक है। पहले आप सभी को बताते हैं कि आपका MCQ कहाँ से बनता है। फ्रेंड्स, आप सभी को थोड़ा सा कष्ट होगा, आप सभी थोड़ा सा आवाज़ हो सकता है कि बगल में DJ बज रहा है, उसका आवाज़ आ रहा होगा, उसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। आप सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आप सभी के पास समय कम है, इसलिए यहाँ पे आज वीडियो बना रहे हैं। देखिए, कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन है, किसे आपको पढ़ना है, वही टॉपिक आपको बताने वाले हैं। देखिए, आपको क्या करना, पहला यहाँ से 5 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। देखिए, आपको क्या करना है कि गद्य में पूरा नहीं पढ़ना है, शुक्ल युग और जो शुक्लोत्तर युग होगा सिर्फ इसे ही पढ़िएगा। यहाँ से आपको 5 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। पहले आपको बताते हैं कि 20 नंबर का जो बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, किन किन टॉपिकों से बहुविकल्पी प्रश्न आने वाला है, बस ये देखते रहिए। अगला क्या है, अगला टॉपिक में कि हिंदी का जो पद होता है, पद में जैसे आपको क्या करना है कि रीति काल और आधुनिक काल ही सिर्फ पढ़ना है, ये 5 नंबर का रहेगा। इसके अलावा जो काल होगा उसको छोड़ देना है, सिलेबस में बस आपका रीति काल और आधुनिक काल पढ़ के चले जाइएगा। यहाँ से आपके 5 नंबर आपके आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है कि रस से आपको सिर्फ यहाँ से पूछता है कि इसका अस्थायी भाव क्या है, जैसे हास्य रस हो गया, हास्य रस का याद रखिएगा क्या होता है, हास होता है अस्थायी भाव, और करुण रस का याद रखिएगा क्या होता है, शोक होता है। बस यही पूछता है बार बार पेपर में आपके, ये एक नंबर के यहाँ से रस से प्रश्न आता है, ठीक है। अगला देखिए आपका अलंकार, जैसे अलंकार में आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार पढ़ना है, यहीं से आपका 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो ये आपको क्या करना है, अलंकार को बस तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, ठीक है। छंद देख लीजिए, छंद से सोरठा और रोला, आपसे तो एक प्रश्न यही बार बार पूछ लेता है कि सोरठा और रोला में कितने चरण होते हैं, टोटल 4 चरण होते हैं। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न सिर्फ बहुविकल्पी ही बनेगा, और कोई यहाँ से प्रश्न आपका नहीं बनने वाला है, ठीक है। जितने भी पॉइंट बता रहे हैं, इन पॉइंटों को बस देख लीजिए, यही टॉपिक आप बस तैयार करके चले जाइए, ठीक है। उपसर्ग से आपके 1 नंबर आएगा, ठीक है। अब देखिए, समास में कौन कौन सा समास पढ़ना है, जैसे द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, ये सिर्फ 1 नंबर के यहाँ से आएगा। आप सभी को सभी समास को खूब डिटेल में अच्छे से बताए हैं। आप यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से जाके आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगला जो टॉपिक है, तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची, इन तीनों से सिर्फ 1 नंबर का ही प्रश्न बनेगा। तो इनको 1 नंबर के हिसाब से ही तैयार कीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से, ठीक है। आपको देखिए, संस्कृत व्याकरण में सिर्फ आपको तद और युष्मद वाला ही पढ़ना है, यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न आएगा। यहाँ से आपको पढ़ना वाक्य का स्वरूप, का वाक्य का स्वरूप के बारे में पढ़ना है, जैसे संयुक्त वाक्य हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया, ये तीनों से सिर्फ 1 नंबर का ही प्रश्न आएगा। इसके अलावा वाच्य का प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, इसको पढ़ लीजिएगा, सिर्फ 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। विकारी और अविकारी से 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो सिर्फ ये 12 टॉपिक आप पढ़ के चले जाइएगा, इन्हीं 12 टॉपिकों में से आपके 20 नंबर का जो बहुविकल्पी प्रश्न आता है इन्हीं में से आएगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो जितने भी टॉपिक बताए, इन टॉपिकों को आप ज़रूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। देखिए, आपका 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न जिन जिन टॉपिकों से बन रहा था वो बता दें, बस उन्हीं टॉपिकों को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या बताएंगे, 50 नंबर का जो वर्णनात्मक प्रश्न होगा
वो 50 नंबर में कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास उतना समय नहीं है कि आप पूरे बुक को पढ़ सकें, आप स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क मतलब होता है कि कहाँ से प्रश्न पूछता है, बस उन्हीं टॉपिकों को पढ़ के चले जाइएगा। देखिए, पहला आपका गद्यांश जो रहता है 6 नंबर का प्रश्न पूछेगा, आप सिर्फ इन 3 चैप्टरों को पढ़ के चले जाएंगे। इन 3 चैप्टरों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है मित्रता है, मित्रता पढ़ के चले जाइए अच्छे से। तो वहाँ से गद्यांश वाले जो संदर्भ लिखने के लिए आता है, व्याख्या करने के लिए आता है, आप सिर्फ मित्रता वाला चैप्टर को ही अच्छे से पढ़ लेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन मेरे कहने की वजह से आप मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति को 3 चैप्टर को खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, इसी में से आपको पैराग्राफ देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, आप यहाँ पे साथ में याद रख सकते हैं, मित्रता जो पाठ है उसको रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, ममता जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा, और भारतीय संस्कृति जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब अगला आपका टॉपिक है पद्यांश। पद्यांश पर आधारित प्रश्न आपको क्या करना रहेगा, 6 नंबर का प्रश्न ये भी पूछेगा। इसमें भी सिर्फ जो 3 पाठ बता रहे हैं, बस यही 3 पाठ को आप तैयार कर लीजिए। जैसे पद जो पहला है सूरदास के द्वारा जो लिखा गया है, पद पढ़ लीजिए, इसको व्याख्या अच्छे से कर लीजिएगा। धनुष भंग वन पद पर, ये तुलसीदास के द्वारा जो लिखा गया इसको पढ़ लीजिए। सवैये कवित्त, इसको पढ़ लीजिए। इन 3 में से एक पैराग्राफ देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको आपको संदर्भ लिखना रहेगा और रेखांकित अंश की व्याख्या करना रहता है। 6 नंबर का ये प्रश्न रहता है। ठीक है, अब देखिए आपको संस्कृत गद्यांश से क्या करना है। संस्कृत गद्यांश से आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न आने वाला है। इसमें भी आप पूरे किताब को पढ़ेंगे तो आप पढ़ते रह जाएंगे। सिर्फ मेरे कहने की वजह से आप सिर्फ 3 पार्ट को ध्यान से पढ़ लीजिए, जैसे वाराणसी हो गया, देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपको यही चैप्टर से वाराणसी से आपको एक गद्यांश देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको क्या करना रहता है, हिंदी में अनुवाद करना रहता है, उसका संदर्भ लिखना रहता है। टोटली कितने नंबर का रहता है, 5 नंबर का रहता है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला जो है टॉपिक संस्कृत पद्यांश। अब संस्कृत पद्यांश भी आपके बोर्ड की एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न आने वाला है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, यही टॉप पढ़ के चले जाएंगे। जीवन सूत्राणी, इसमें से आपको क्या मिलेगा, एक पैराग्राफ जरूर मिल जाएगा जिस पे आपको संदर्भ लिखना रहेगा और रेखांकित अंश की व्याख्या करना रहता है। टोटल 5 नंबर का रहता है। इसके अलावा साथ में आप भारतीय संस्कृति चैप्टर पढ़ लीजिएगा, वीर वीरण पूज्यते, ये 3 पार्ट आप जरूर पढ़ के चले जाएगा, एक पैराग्राफ मिल जाएगा इसमें से आपको। ठीक है, टोटल 5 नंबर का ये प्रश्न रहता है। अब देखिए आपके सामने अगला है खंड काव्य। खंड काव्य में आपको मुक्ति दूत पढ़ना रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। देखिए, जितने भी आगरा जिले के हो गए, बस्ती जिले के हो गए, गाजीपुर जिले के हो गए, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव, इन जितने जिले के जो छात्र हैं वो सिर्फ मुक्ति दूत के बारे में पढ़ेंगे। और मुक्ति दूत में सिर्फ एक प्रश्न आप यदि पढ़ लेते हैं, जैसे नायक का चरित्र चित्रण, नायक का चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण, महात्मा गांधी जी के बस पढ़ लीजिए, महात्मा गांधी, बस ये पढ़ के चले जाएंगे। आपको 100% गारंटी देते हैं कि यही बार बार पूछता है। टोटल 3 नंबर का रहेगा प्रश्न। ठीक है, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपका लेखक और जीवन परिचय से टोटल 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से 3 आपको बोर्ड के एग्जाम में देता है, जिसका एक ही का जीवन परिचय लिखना रहता है। बस इन 3 जीवन परिचय में से सिर्फ याद रहेगा तो एक आपको 100% देखने के लिए मिल जाएगा और 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आप सभी को बहुत अच्छे से कराया है, इसके साथ में जयशंकर प्रसाद जी का कराया है। तो आप यदि आप जीवन परिचय अभी तक नहीं याद किए हैं तो प्लेलिस्ट से जाके उसको देख के आप याद कर सकते हैं, और यही इसी में से आपको एक जीवन परिचय बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अगला है कवि जीवन परिचय, ये 5 नंबर का रहेगा टोटल। इसमें सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, इन 3 में से एक मिल जाएगा आपको। आपको तुलसीदास का जीवन परिचय बहुत संक्षिप्त में कराए हैं, ये भी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाके इसको भी आप जीवन परिचय को लिख के याद कर सकते हैं। ये 5 नंबर का आपका रहने वाला है। अब इसके बाद आपका श्लोक आता है। श्लोक आपको बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर मिलेगा, तो श्लोक आप एक याद कर लीजिए, वही श्लोक आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना रहेगा। इसके साथ में आपको क्या है कि संस्कृत पर आधारित प्रश्न रहते हैं, जो आपको 4 प्रश्न संस्कृत से पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 2 का आंसर देना रहेगा और प्रत्येक 2-2 नंबर का रहता है, यानी 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, अगला 10वां जो टॉपिक है यहाँ पे निबंध।
निबंध टोटल 7 नंबर का आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा। यहाँ पे जितने भी निबंध लिखे हैं बस इसी निबंध को याद कर लीजिए, इसमें से एक निबंध आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने के लिए 100% मिल जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या लाभ एवं हानि, विज्ञान चमत्कार, आतंकवाद का निवारण, बेरोजगार, इसमें से एक का जीवन परिचय आपको बोर्ड सॉरी दोस्तों निबंध, इस पर आपको क्या करना रहता है, निबंध लिखना रहता है, एक पर लिखना है। आपसे 4 या 5 बोर्ड के एग्जाम में देता है, 5 में से एक का निबंध लिखना रहेगा, टोटल 7 नंबर का रहता है। अभी तक आप लोगों ने निबंध नहीं याद किया है तो पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या लाभ एवं हानि और आतंकवाद का निवारण, इस पर आप सभी को निबंध अच्छे से डिटेल में कराएं, आप जाके उसको देख सकते हैं। अब लास्ट इसका टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 4 नंबर आएगा, एक पत्र लेखन 100% आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। आपको पत्र लिखना भी आना चाहिए जिस पर 4 नंबर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इस पर मिलेगा। तो फ्रेंड जितने भी टॉपिक बताएं सिर्फ वर्णात्मक प्रश्न के लिए बस 11 टॉपिक का पढ़ लीजिए, 11 टॉपिक को आप तैयार करके चले जाते हैं तो 100% गारंटी देते हैं कि 70 नंबर के पेपर में आपको 65 नंबर कहीं नहीं गया है, आप आसानी से 70 में 65 आसानी से ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स आपको बताना जरूरी था, आपके पास समय कम है, आपका जो एग्ज़ाम है 22 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है, बगल में आप लोग सरस्वती पूजा होने के कारण यहाँ पे बगल में थोड़ा सा डीजे उजे बज रहा है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।